हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम तत्व और उनसे बने कुछ यौगिक के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बताना है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो ये दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ। अब देखिए, तत्वों की संख्या निश्चित है, लगभग 118 तत्व आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार अभी तक खोजे जा चुके हैं। पहला खोजा जाने वाला तत्व था तांबा, कॉपर, जिसको मनुष्य ने खोजा था। उसके बाद धीरे धीरे लोहे की खोज हुई, अन्य सोने की खोज हुई, अन्य तत्वों की खोज हुई, इस तरह से उस तो तत्वों से ही फिर यौगिकों का निर्माण होता है। दो तत्वों के परमाणु जो आपस में मिलते हैं तो एक नया यौगिक बनाते हैं, तीन तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक नया यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिल करके कोई नया, हमेशा कोई एक नया यौगिक बनाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है कि इधर देखिए तत्व हैं और इधर उनसे बने यौगिक हैं। देखिए, ऑक्सीजन एक तत्व है और हाइड्रोजन भी एक तत्व है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और हाइड्रोजन का संकेत होता है H। तो जब ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं और आपस में क्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम है जल। और यौगिक का अणुसूत्र होता है, इस जल का अणुसूत्र होगा H2O। उसी प्रकार से सोडियम Na क्लोरीन Cl, ये दोनों आपस में मिलके रासायनिक क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यह एक यौगिक है और इसे साधारण भाषा में साधारण नमक भी कहते हैं। उसी प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के तमाम सारे यौगिक बनते हैं, जिनमें ग्लूकोज और चीनी प्रमुख है। ग्लूकोज इसका अणुसूत्र ये, चीनी इसका अणुसूत्र ये। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से जस्ता यानी जिंक सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के तमाम यौगिक बनते हैं, उनमें से एक है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। उसके बाद आइए देख लेते हैं, उसके बाद तीन तत्व हैं सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बनता यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीनों तत्वों से मिलकर एक बनता है नाइट्रिक अम्ल, यह एक यौगिक है। उसके पश्चात तांबा सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर के दो यौगिक बन रहे हैं, पहला कॉपर ऑक्साइड CuO, दूसरा कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके बाद सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन से मिलकर के तत्व बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के यौगिक बना जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और दूसरा यौगिक बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा चूना भी कहते हैं और इसका संकेत होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CoH का होल ट्वाइस। तो ये थे कुछ तत्व और उनके संकेत और उनसे बने कुछ यौगिक और उनके अणुसूत्र। ध्यान रहे, तत्वों के संकेत होते हैं, तत्वों को संकेतों के द्वारा दिखाया जाता है और यौगिकों को उनके अणुसूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए इसका ले लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप
कंठस्थ कर लीजिएगा। तत्वों के नाम, उनके सूत्र और यौगिकों के नाम और उनके अणुसूत्र याद कर लीजिएगा।